जनन जो घर घर में पूजा हो रही है, इसलिए शंकर जी स्वयं कहते पार्वती भले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिषा दंड भर ए कौवारा। ये शंकर जी स्वयं कहते पार्वती जीवन में सत्संगति दुर्लभ संसारा, अगर जीवन में निमिषा दंड भर है, अगर थोड़ी सी समय अगर जीवन में सत्संग मिल जाए पार्वती, ये जीवन धन्य हो जाता है। फिर पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु जीवन में किसको ये सत्संग मिलती है, किसको ये सत्संग मिलती है? शंकर जी कहते पार्वती सबको नहीं मिलती है ये सत्संग, जीवन में सबको नहीं मिलती, बोले किसको मिलती है? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप संगत सोई। आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? जानते हो ना, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि कृपा जा पर हो, बोले थोड़ी बड़ी कृपा नहीं, जिसको ऊपर में ठाकुर की डायरेक्ट, भगवान की दो तरह का कृपा है, कितने तरह कृपा है? कहते एक डायरेक्ट कृपा और एक घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट कृपा है। यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की डायरेक्ट कृपा हो जाए, एकदम सीधा कृपा हो जाए, बोले पाप दही यह संगत सोई, तभी जीवन में ये सत्संग तभी जीवन में प्राप्त होती है, है? तभी पार्वती कहती है प्रभु आप ये सत्संग की इतने महिमा बता रहे हो, सत्संग तो होता है क्या? कहते ये सत्संग को इतने महिमा क्यों कहते हैं? हम कह रहे आप कह रहे सत्संग दुर्लभ है, एक मुहूर्त एक दंड एक घड़ी अगर मिल जाए जीवन धन्य हो जाएगा। कहते सत्संग करने से होता है क्या है, ये सत्संग की महिमा इतना क्यों है? शंकर जी कहते पार्वती बोले मंजन फल देखाओ तत्काला काक होई पिक बकाओ मराला। कहते पार्वती ये कथा रूपी गंगा में गोता लगाते ही ना, बोले मंजन फल देख ही तत्काला, केवल इसमें गोता लगाते ही अपने आप फल मिल जाती है। बोले क्या है? बोले काक होई। आप लोगों ने कौवा देखे हो? कौन कौन कौवा देखे हो, हाथ उठाओ तो देखे हो, बताओ तो कौवा का रंग कैसे है? काला। आप लोगों ने कोयले देखे हो? देखे हो कोयल कि देखे नहीं, बताओ कोयले का रंग कैसे है? काला है, लेकिन दोनों तो काले हैं। लेकिन कहते कथा रूपी गंगा में गोता लगाते, अगर कौवा अगर गोता लगाएगा ना और कौवा नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? पीक, मतलब होते कोयल बन जाएगी। बोले भैया कौवा और कोयलों को साथ में क्यों बराबर दिया? ये चीज को समझो, कौवा अगर यहाँ बैठ करके का 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 करने लग जाए ना ज्यादा समय, देखना कान दर्द हो जाता है। बोले कब से बैठ कर का 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 कर रहा है, कान दर्द हो रहा है। लेकिन ए बच्चो बैठो, इसलिए लेकिन जो कोयल जब बसंत ऋतु में कूकती है, कुहू कुहू कितने मीठी आवाज है, इसका मतलब क्या है कि जो संसार का जो बात है ना ये कौवा की बात है। दुनियादारी बैठ कर एक जगह पर बैठो क्या बात करते हो, तेरे बेटी क्या कर रहा है, तेरा बेटा क्या कर रहा है, उसका घर में क्या हो रहा है, देखना बेटी को बात करो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई परिवार से दुखी, देखना संसार की बात करो ना, दुखी 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 दुखी। कहती है कौवा जैसे का 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 करता है ना, कहती कौवा की बात है। लेकिन कहते वो क्या बन जाता, बोले कोयल। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाए ना वो कौवा नहीं रह जाता है, क्या बन जाता है? कोयल। कोयल का बोली जैसे मधुर है, देखो जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसकी चर्चा हो रही है? ठाकुर जी, आनंद आ रहे कि नहीं आ रहे ना? इसलिए शंकर जी कहते पार्वती फिर कौवा नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? कोयल बन जाएगी। फिर जो कूकती ना जब आवाज करे, बड़ी मीठी आवाज है, इसलिए कहते शंकर जी पार्वती कथा रूपी गंगा में अगर कोई गोता लगाए ना कौवा नहीं कोयल, और जो बगुला वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा राजहंस बन जाता है, बराला मतलब हंस बन जाता है। बगुला क्या करता है? कीड़े मकोड़े खाता रहता है,
लेकिन हंस क्या करता है, बोले मानस सरोवर में मधु का आस्वादन करता है, मधुपान करता है, हैं? इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा। इसलिए आज हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, ऐ जो कि हम लोग यहाँ पर थोड़ी समय के लिए यहाँ पर सत्संग में हम लोग बैठे हैं। हाँ देखो एक छोटी सी कथा सुन लो, ध्यान कर कथा सुन लो। हाँ बोले एक समय क्यों भक्ति करनी चाहिए हमें, कोई बोलेगा ना अरे भक्ति करने का क्या जरूरत है, भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, बड़ा दुखी था। क्या था? बड़ा दुखी, दर दर भटक रहा था, खाना नहीं पहना नहीं, दर दर भटक रहा है। मोबाइल बंद कर दो, मोबाइल बंद की कथा सुनो, ध्यान देकर सुनो इधर। इसलिए वो दर दर भटक रहा था, दुखी दुखी हो रहा था। इतने में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसको मिल गया। उसने उसको देख करके बोला, भाई इधर आ भैया, तो ये दुखी दर दर क्यों भटक रहे हो? बोले खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, सोने में भी हाथ लगा तो वो भी मिट्टी बन जाती, इसलिए हम तो बड़े दुखी है। उसने कहा, देख बेटा मेरा बहुत बड़ा एक बिजनेस है, मैं वो बिजनेस का तेरे को मैं पार्टनर बना देता हूँ, इसका तो पार्टनर बन गया। बोले सवेरे और कोई भी नहीं मिला, मैं ही मिल गया तुम्हें। मैं कहा दरिद्र आदमी, तू कहा इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़ा धनी व्यक्ति, तू कह रहे हो तो मेरे पार्टनर बन जा रहा है, ये कभी हो सकता है? और कोई मिले नहीं, मैं ही मिला। बोले मैं झूठ नहीं कहता, सही कह रहा हूँ तुमको। देखो ध्यान से कथा सुनो, क्यों भक्ति करनी चाहिए। ये कथा सुनने के बाद ना दूसरों को मैं पूछूंगा क्या सुने हो, अगर नहीं बोल पाओगे ना बीच में खड़े कर दूंगा, इसलिए ध्यान देते सुनो। क्यों भक्ति करनी चाहिए भगवान की? अभी उसने जब बोले, उसने बोले तो आकाश से सीख रहा। बोले देखो पार्टनर नहीं, ये संपूर्ण बिजनेस ही तेरे को दे रहा, ये सारे बिजनेस तू ले लो। बोले क्यों मेरे साथ में हंसी दिल कर रहे हो, सबरे में ही मिला तुमको। बोले नहीं झूठ नहीं, सब सही बता रहा हूँ, सारे बिजनेस में तेरे को दे देता हूँ, उसमें जो इनकम होएगा उसमें 90% तेरा, 90% तेरा और 10% मेरा है। बोले अगर आप ऐसे करोगे ना, दिन रात में मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। बोले ठीक है, आज से तुम सारे बिजनेस ले ले, लेकिन मास का लास्ट में केवल मेरे को 10% लाकर दे दे। बोले कोई चिंता मत करो, अब जाओ। एक महीना हो गया लेकिन उसने 10% देने के लिए नहीं आया। उसने कहा, भैया ये क्या हो गया? हो सकता है ज्यादा काम में बिजी हो गया, अच्छी बात है काम करते रहे। 2 महीना हो गया, देखा तभी नहीं आया। 3 महीना हो गया, वो तभी नहीं आया। बोले भैया ये क्या हो गया? बोला था 10% दे जाएगा, तो एकदम आया ही नहीं उसने। उसने सोचा ठीक है शायद काम धंधा में अच्छे तरह से लग के काम धंधा करे। लेकिन जब 6 महीना हो गया उसने आया ही नहीं। बोले भैया उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया? देखने के लिए तो जाऊं, जब देखने के लिए गया ना, बिजनेस को बढ़िया से चला रहा है, बड़ा आलीशान मकान उसने बनाया, खूब कमा रहा है, खूब थमा रहा है, हैं? बढ़िया से आराम से रह रहा है। उसने जा करके बोला, भैया तुम मेरे को पहचानते हो? उसने कहा, आप कौन हो? कहता है, तुम कौन हो? बल्कि क्या तुम मेरे को भूल गया? बिजनेस मेरी, जो बिजनेस पूरा बिजनेस मेरी थी, तेरे को दिया था, मैंने कहा था तुम मेरे को 10% दोगे। बोले ओ आप वही हो? बोले हाँ मैं तो वही हूँ। बोले मैंने कहा था तुम 10% देने के लिए, लेकिन अभी तक तू देने के लिए आया नहीं। बोले किस चीज की 10%? काम करूंगा मैं, पैसा कमाऊंगा मैं, थमाऊंगा मैं, सब कुछ, और तेरे को बैठ बैठ कर 10% क्यों दो? हाँ देखो अगर ये वो व्यक्ति अगर ऐसे बोलता है, आप उसको क्या बोलोगे? आप लोग बताओ, आप बताओ ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोल सकते हो? क्या बोलो, जोर से बोलो, बेईमान, नमक हराम है, बेईमान, जो कुछ मुंह में उसको बोल सकते हो। देखो ये चीज को समझो, आप बताओ ये दुनिया हमें किसने दिया है? किसने दिया, जोर से बोलो, ठाकुर ने। ये शरीर हमें किसने दिया है? ये दुकान वकान किसने दिया है? सब ठाकुर ने दिया है ना, ठाकुर ने दिया। तब उसको हमें 10% देनी चाहिए कि नहीं, बताओ देनी चाहिए कि नहीं? 10%। अब सारा दिन रात मिल करके कितना घंटा होता है? 24 घंटा, 24 आवर होता है। अगर उसका अगर 10% अगर उसको निकालोगे, हैं? अगर 10% उसमें समय निकालोगे, बताओ तो 24 घंटा में 10% कितना समय होता है? बोलो कितना होता है? ढाई घंटा। तो उसको 2.5 घंटा भजने के लिए देनी चाहिए कि नहीं, बताओ?
बताओ देनी चाहिए कि नहीं? अगर हम उसको नहीं दे रहे फिर हम कौन है? बताओ हम लोग कौन है? नमक हरामी ना। और आप लोग बुरा मत मानो, एक बात मैं समझा रहा हूँ, हम संसार में जो कुछ करते हैं ना, हम अपना लिए कुछ भी नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं। हम अपना बीबी को कैसे खुश रखें, अपना पत्नी को कैसे खुश रखें, अपना बेटे को कैसे खुश रखें, अपना बेटी को कैसे खुश रखें, अपना पिता माता को कोई खुश रखे, इसलिए तो सारे काम कर रहे हैं ना। आप लोगों को बताओ दिल से अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई खुश हुए? बताओ ठीक से, अभी तुम्हारे ऊपर में कोई खुश हुए क्या संसार में? बल्कि देखना पीछे बेईमान तुम्हारी चुगली करते हो, सब चुगली करते हैं तुम्हारी। आप किसी को जिंदगी के बारे लिखाओ पढ़ाओ बड़ा सब कुछ करते हो, आप देखना अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना, कोई एक चीज कोई कमी रह गई, देखना झट मुंह से बोलेंगे तो तुम मेरे लिए क्या किए हो, मेरे लिए तुम किया। लेकिन उसको पीछे हम लगे हुए उनको खुश करने के लिए। लेकिन जिसके लिए सुदामा का नाम सुने है ना, सुदामा ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया तो ठाकुर ने क्या दिया? त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई। द्रौपदी ने थोड़ी सी बैंडेज कर दी, ठाकुर ने क्या की? ठाकुर जी ने क्या किया? भरी सभा में भगवान उसको इज्जत बचाए, इतने साड़ी दिए। दुशासन जैसे व्यक्ति हाँ साड़ी खेचते खेचते पहाड़ के पहाड़ हो गए, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाया, लास्ट में स्वयं गिर पड़ा। अगर भगवान के लिए थोड़ी सी करोगे ना, भगवान कभी उस चीज को कभी भूलेंगे नहीं हैं। भगवान तुमको ब्याज समेत प्रदान करेंगे, लेकिन जो दुनिया है ना कुछ भी तुम्हें देने वाले नहीं, बदनाम के सिवाय, बदनाम के सिवाय कुछ भी देने वाले नहीं। इसलिए क्या करो उसको कितना 10% दो, 10% दो मतलब क्या है, सवेरे उठ करके नहा धो करके माला लेकर उसका भजन करो। क्या करो उसको भजन करो, उसकी भक्ति करो, माला जप करो। अब देखो जीवन में जो कुछ करो करो, अंतिम समय जब आएगा, अंतिम समय जब आएगा चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? तेरे को कोई बोलेगा तेरा बीवी सचा था नहीं, तो तेरा पति तेरा बेटा बेटी तुमने जो दुकान वकान सचा था, कोई बोलेगा? बोलेगा सब कोई बात झूठा है, तुमने जो कुछ जीवन में प्रभु की भक्ति के सिवाय किया ना सब तुमने झूठे में बिताया, कोई भी चीज यहाँ से तुम्हारे साथ में नहीं जा रही, जितने हरि का नाम लिया है केवल वही तेरे साथ में जा रही। देखो और एक चीज समझो, हम लोग ने द्रौपदी का नाम सुने हो, कौन कौन द्रौपदी का नाम सुने हो? कौन कौन द्रौपदी का नाम सुने? देखो द्रौपदी ये उत्तरा को कह रही है, अब पता है उत्तरा कौन है? बोलो तो उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा। देखो ध्यान देकर सुनो कितना अच्छी बात कहते, ये द्रौपदी कहती है उत्तरा अगर किसकी शरण में जाना है ना केवल कृष्ण शरण में जाओ और किसी की शरण में मत जाओ। बोले क्यों कह रहे हो? बोले ये मेरे आजमाया हुआ जीवन में आजमाया हुआ बात है। बोले क्या आजमाया? देखो ध्यान से कर सुनो, द्रौपदी कहती थी मैंने पहले बड़ी डीग हाँकती थी। बोले क्या डीग हाँकती थी? बोले मेरे 5 पति है, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी कौन है? अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन है? भीम। सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में कौन था? युधिष्ठिर। तलवार युद्ध में नकुल सहदेव। पहले मेरे बड़ी डीग हाँका करती थी, ए मेरे 5 पति मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा। लेकिन जिस समय दुशासन मेरे को भरी सभा में कपड़े पकड़ करके चोटी पकड़े हुए घिसटते ले आए, मैं आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी ये कुछ बोलेगी? कोई कुछ बोले नहीं, सब सर नीचा करके बैठे हुए थे, सारे सर नीचा करके बैठे हुए थे। फिर मैंने श्री भीष्म पितामह का प्रति देखा, द्रोणाचार्य को प्रति देखा, कृपाचार्य सबको तरफ में आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी, सबके सब सर नीचा करके बैठे हुए थे, कोई मेरे को मदद करने वाले नहीं आए। लेकिन जब देखा कोई नहीं आ रहे ना, फिर मैंने दोनों हाथ उठा करके जब कृष्ण को मैंने पुकारा, भगवान को पुकारा, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारी, लास्ट में केवल वही वस्त्र दिया है। किसने वस्त्र दिया? हम भी दुनिया में बड़े डीग हाँका करते हैं, अरे मेरे इतना दुकान है, इतना मकान है, मेरे पति है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे है। देखना ये कोई भी तुम्हारी काम में आने वाले नहीं, कोई आएगा काम में नहीं। जो 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे कौन साथ में जाएगा? इसलिए मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने
यही बोलते हैं ना, क्या पाए जी, मैंने क्या पाया तुमने, भगवान की जितने भजन किया केवल वही मिला, जग में सभी खवायो। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, कहते थे करोड़ों काम छोड़ करके भगवान की भजन करो, क्योंकि जाएगा यही और तेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं है, एक कोई साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले ठाकुर को सेवा पूजा करके माला लेकर जपा करो, ठीक है ना। क्या करोगे, कौन कौन माला जप करते हो, हाथ उठाओ जोर से, दो हाथ उठा। इसलिए देखो, और जो माला जप नहीं कर रहे हो ना, आप लोग हमारे मंदिर में आ जाना, कल सवेरे आ जाना, ठीक है ना, कल सवेरे आ जाना, एक एक माला दे दूंगा, हैं। इसलिए खुद भी माला जप करो, हाँ देखो माता ही ध्यान देकर सुनो, खुद भी माला जप करो और बच्चों को भी माला जप करवा, ठीक है ना, खुद करो और बच्चों को क्या करो, बच्चों को क्या करो, हाँ देखो। और एक चीज समझो, अच्छे तरह समझो, एक समय हमारे बड़े गुरु जी के पास में कोई एक व्यक्ति आया, आकर के बोला गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, लेकिन घर घर में यही कथा है, बच्चे क्या नहीं करते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। तब हम बड़े गुरु जी ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, क्या बोले, बोले रामायण पढ़ते हो, बोले नहीं, बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा ना, इसको यही दुर्गति होने वाली, यही दुर्गति। क्यों, अगर रामायण पढ़ते, रामायण में क्या लिखा हुआ है, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे, पिता माता की चरण छूते थे। अगर तू खुद रामायण पढ़ता, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाता तो तभी तो बच्चों को संस्कार आते ना, तभी तो संस्कार, खुद तो देखा पढ़ा ही नहीं, स्मार्टफोन बच्चों को पकड़ा के ले, स्मार्टफोन ले ले तू, जिसके उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो चीज तुमने उसको दिलवाया 10-20 हजार रुपया की, लेकिन जिसको पढ़ने से संस्कार बनेगा और पिता माता की चरणा छुएगा, सेवा करेगा, तुमने ये काम नहीं किया। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे पहला गुरु कौन है, घर का पिता माता पहला गुरु, पहला गुरु कौन है, माता पिता है ना। जब हम माला जप करेंगे बच्चे तो करेगा, जब हम रामायण पढ़ेंगे बच्चे तो रामायण पढ़ेगा ना, क्या हम खुद पढ़ रहे हैं, हम खुद पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहा है, एक माता दो माता हाथ उठा रहे। इसलिए जो रामायण नहीं पढ़ रामायण पढ़ो, ठीक है ना, और बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ, खुद भी भजन करो, बच्चों को भी प्रभु का भजन कर, भक्ति कराओ, नहीं तो ना देखना जीवन बड़ा दुख, आपको बड़ा दुख कष्ट मिलेगा, बच्चे बात नहीं सुनेंगे, बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, निगलेक्ट करेंगे, दुखी दुखी तुम्हें कर देंगे। इसलिए अगर चाहते हो जीवन में सुख पाना चाहते हो, पहले भगवान की भक्ति करो, संस्कारी बनाओ, बच्चों को संस्कारी बनाओ, खुद भी हरिनाम करो, भजन करो, तुमसे देख देख कर बच्चे भी सीखेंगे, ठीक है ना। सबके सब क्या करना, हरिनाम करना, सबसे माला जप करना। देखो मैं वहां पर बात कर रहा था, एक बार ध्यान देख रहे सुनो, एक बार मैंने फरीदाबाद में किसी ओल्ड हाउस में चला गया, जब वहां कीर्तन भजन किया ना, लोग हमारे पास में आकर रो रहे थे, मैंने कहा भैया क्यों रो रहे हो, बोले बाबा मेरी 500 गज की कोठी है। कितना गज की कोठी है, किसने कहा मेरे 1000 गज की कोठी है। मैंने कहा फिर तू ये ओल्ड हाउस में क्यों बैठे हो, बोले ये ओल्ड हाउस में क्यों बैठे हो, बोले बच्चों को बोला तो पढ़ो 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 पैसा कमाओ, और इतने पढ़ा दिया बच्चों को मैंने, जब वो थोड़ी मैं पुराना समय का हम लोग है, जब थोड़ी सी ज्यादा पढ़ा दिया ना, कहते गवार तुम क्या जानते हो, हम इतने एमए पीएचडी किया डॉक्टर हमें ऐसे ऐसे बात करते थे, और घर में बहू आ गई ना, इतने लड़ाई घर में इतने झगड़ा हुई, लास्ट में भेजे भैया हम ही ओल्ड हाउस जा रहे, तू ये 1000 कोटी गज में तू ही रह, बोले ऐसे कहते क्यों हुई, चूंकि हमने उसको भक्ति का कोई संस्कार नहीं दिया, केवल पढ़ो 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 एटीएम में काम बन एक कार्ड बनाया और हमें अपमान किया है। अगर भक्ति करोगे भजन करोगे बच्चों को संस्कार डालोगे ना, फिर तुम्हें ओल्ड हाउस में जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। और वहां पर देखा जितने हिंदुओं को देखा है ओल्ड हाउस में, एक मुसलमान को नहीं देखा, बोले क्यों नहीं देखा, अब देखना शुक्रवार को देखोगे यहाँ पर उधर नहीं, मुसलमान लोग शुक्रवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को भी टोपी पहना करके उनको नमाज पढ़ाने ले जाते हैं, ले जाते कि नहीं, ले जाते कि नहीं बताओ, ले जाते हैं, ले जाते हैं ना। लेकिन आपने कभी बच्चों को बोला गीता पढ़ने के लिए, आप बोला कभी बच्चों को गीता पढ़, खुद पढ़ते हो, बताओ खुद पढ़ते हो, खुद तो पढ़ते नहीं,
तो बच्चों क्या बोलोगे बताओ। इसलिए भैया अगर जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो ये गीता रामायण को पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो डंडा ना, बच्चे बड़े बड़े डंडे मारेंगे और कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो जीवन में सुखी पाना क्या करो, हरि नाम करो, भक्ति करो, ठीक है ना। इसलिए खुद खुद पहले करो, खुद हरि नाम गीता पढ़ो और बच्चों को भी गीता रामायण बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है ना। कौन कौन करके हाथ उठाओ, इसलिए कल सबके सब मंदिर में आ जाना, ठीक है ना। मंदिर में आकर बच्चों को भी ले आना साथ में, और एक माला ले आना और भजन करो और बच्चों को भी भक्ति की संस्कार डाला। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोला बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री लाल। महाप्रसाद की जय। प्रसाद बनाया कौन बनाया आज? प्रसाद किसने बनाया आज? सबने बनाया जी, सबने बनाया। आरती करना।